जैसे बेटी जब संकट में आती है, अगर वह परिणीता है मानी पाणि ग्रहण हो चुका है उस, तो संकट में आती है तो पति को याद करती है। सबसे पहले किसे याद करती है? पति को। और यदि पति से ही संकट मिले तो किसे याद करेगी वो? क्योंकि कभी कभी तो बड़ी समस्या, कभी कभी क्या सबसे बड़ी जटिल समस्या हो गई है कि पति से ही संकट मिलने लगा है, पति विपत्ति हो गया। बहुत समस्याएं आती है मेरे पास। चित्रकूट में लाखों लोग आते हैं और दर्शन करने के बाद यदि मैं वहां रहता हूं तो बहुत से लोग मिलने की कोशिश करते हैं तो बताते हैं, उनमें महिलाएं रोते हुए बताती हैं, जैसे मैं यहाँ ठहरा हूँ मान लीजिए और कहीं ठहर जाऊं, जहां जाता हूं वहां निश्चित रूप से जहां उन्होंने बात बाद में बताई वो पहले आंसू निकले और पहुंचे तो हम समझ जाते हैं बहुत बड़ी समस्या है। क्या बात है, क्यों रो रही हो? महाराज जी बहुत बड़ी समस्या है। क्या समस्या है? अकेली क्यों आई हो? पति को साथ क्यों नहीं लाई हो? अरे वही तो समस्या है महाराज। क्या पति को लाती साथ में? वही समस्या है। क्या समस्या है? पिए पड़े हो, सब बेच दिया, कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है, केवल एक गरुण पुराण रह गया शेष बचने के लिए। क्यों भाई? कौन सा पुराण रह गया बचने के लिए? गरुण पुराण रह गया बस, बाकी कुछ नहीं बचा। बड़ी समस्या है। क्यों भैया सोचते क्यों नहीं हो? अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो। क्यों रोगों को निमंत्रण दे रहे हो? हमारी बात का बुरा लग जाए तो खूब लग जाए। हमें कोई विधानसभा का चुनाव लड़ना है जो तुमसे वोट मांगने हैं? बात सही कहूंगा, थोड़ा रहम करो इनके ऊपर। नहीं नहीं, तुम सब तो चंदन लगाए बैठे हो, हम तुम्हारी बात नहीं कह रहे हैं। तुम सब तो कथा अमृत पी रहे हो, राम कथा अमृत पी रहे हो। हम तो उनकी बात कह रहे हैं कि जो पिए पड़े हैं वो कतई में नहीं आ पा रहे हैं। उनकी बात हम कर रहे हैं, समझ रहे हो कि नहीं? क्यों भाई, अगर नशे में ना होते तो आना जाते? अरे नशा कई प्रकार का होता है, किसी को इसी का नशा है कि हमसे पूछा नहीं गया, ये भी एक नशा है। क्यों, ये भी एक नशा है? ऐसी बात नहीं है, ये बहुत खतरनाक नशा है, हमसे पूछा ही नहीं गया है। और किसी को ये नशा है कि मेरे बिना पूछे कुछ होता नहीं था, पर हो कैसे रहा, ये भी एक नशा है। क्यों भाई, है नशा कि नहीं? ये भी एक नशा है, कई प्रकार का नशा है। देखो मैं तो महात्मा ठहरा हूं, बहुत स्पष्ट बोलता हूं, साफ साफ बोलता हूं, इतनी व्यस्तता अच्छी नहीं होती है कि कथा सुनने की फुर्सत नहीं है। आज तुम क्या व्यस्त रहोगे मैं जितना व्यस्त हूं, लेकिन कथा का निमंत्रण आया है इसलिए समय निकाल के आया हूं। व्यस्त तो हूं, ऐसा नहीं कथा ही में व्यस्त हूं, बहुत आश्रम चल रहे हैं मेरे, समझ रहे हो कि नहीं? कथा के अलावा भी व्यस्तताएं हैं। क्या मंदिर संचालन की व्यस्तताएं हैं, वो उन आश्रमों को चलाने के लिए जमीन जायदाद हैं, ऐसा नहीं है कथा नहीं कहूंगा तो चलाऊंगा कैसे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन नहीं, कितनी ही व्यस्तता मठ मंदिरों की है और कोई व्यस्तता वैसी नहीं है, लेकिन मठ मंदिरों की व्यस्तता होने के बाद भी आपने निमंत्रण दिया है कि महाराज आपके ही द्वारा कथा सुननी है, तो मैंने कहा भैया इस समय में आ सकता हूं। क्यों, कहा कि नहीं इस समय में आ सकता? महाराज हम इसी समय में रख लेंगे। बोलो हम आए कि नहीं आए? आ गए समय निकाल के। और जिनके पास व्यस्तता है वो कहते हैं इतनी व्यस्तता है कि समय नहीं है।
नहीं नहीं मंदिर जाने के लिए समय नहीं है, कथा में आने के लिए समय नहीं है, और फिर कहां जाने के लिए समय है? ताश खेलने के लिए समय है, ताश खेलने के लिए समय है। क्यों भाई, है कि नहीं समय? क्यों है समय ताश खेलने के लिए? सोच ठीक नहीं है। क्या नहीं है? सोच ठीक नहीं है। सोच को बदलिए, इसलिए मैं कह रहा हूं, क्या सोच को बदलना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। था भरा सोना सरासर लंक के दरबार में, एक रत्ती ना मिला रावण कुमार तीवार में। जाने न देना धर्म करना लोभ मत धन धाम का, जब धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। इसलिए फुर्सत निकालो और धन को पवित्र करो, धर्म में खर्च करो, और ये शरीर को धर्म रक्षा के लिए समर्पित करो। जटायु जी ने यही किया था, धर्म रक्षा के लिए अपना शरीर समर्पित किया था, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं। बोलो, यही किया था कि नहीं किया था? धर्म रक्षा में अपने शरीर को आहुत किया। धन नहीं था उसके पास, धन कहां था? नहीं था धन। कोई बहुत बड़ा पद नहीं था, सेना नहीं थी, शस्त्र नहीं था, लेकिन सोच अच्छी थी। बोलो क्या अच्छा था? सोच। ये जरूरी नहीं है कि जिसके पास धन होगा वही ये सब करेगा, शरीर से भी सेवा दी जा सकती है। क्यों भाई, दी जा सकती है कि नहीं? शरीर से सेवा दी जा सकती है। नहीं है धन, हम शरीर से सेवा कर रहे हैं। यदि हमारा शरीर सेवा देने के लायक नहीं है, क्योंकि ताकत नहीं है, तो हम कथा श्रवण करके ही इस आयोजन को सफल बनाने में अपना समर्थन व्यक्त करेंगे। इतना ही सहयोग बहुत होता है। किसी ना किसी तरह से अच्छे कार्य में सहयोग देना चाहिए, अच्छे कार्य में सहयोग देना चाहिए। इसमें सम्मान की कोई जरूरत नहीं है, इसमें तो समर्पण की जरूरत है। किसकी जरूरत है? समर्पण की जरूरत है, सम्मान की जरूरत नहीं है।